आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही आसान और टेस्टी ब्रेकफास्ट की रेसिपी। और मैंने किस तरीके से इसे बनाया है चलिए देख लेते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी। शेयर करने वाली हूँ बेसन की बहुत ही आसान और हेल्दी रेसिपी, जिसे कि आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, लंच बॉक्स के लिए भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक मीडियम साइज़ का बोल ले लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप के करीब बेसन। तो ये नॉर्मली बेसन है, कोई तो भी बेसन का यूज़ कर सकते हैं, मोटी पतली जो भी आपके पास है। इसके बाद मैं डाल रही हूँ इसके अंदर हल्दी का पाउडर, तो आधा चम्मच से थोड़ा कम यहाँ पर मैंने हल्दी का पाउडर ले लिया है। साथ में इसमें डाल रही हूँ मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, तो ये कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर आप आधा चम्मच ले लिया मैंने यहाँ पर। इसके साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ गरम मसाला, तो 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने ये गरम मसाला डाल दिया है। साथ में यहाँ पर डाल लेंगे नमक स्वाद के अनुसार, तो यहाँ पर ये नमक डाल लेते हैं। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 छोटा प्याज बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च और साथ में हरा धनिया, तो ये सभी चीज़ें इसमें डाल लेंगे। इसके बाद हम इसका एक बैटर बना के तैयार करेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों का, मसालों का मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, तो यहाँ पर जो बेसिक मसाले होते हैं वही मैं यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एक बैटर बना लेंगे। जैसे हम चीला बनाते हैं बिल्कुल उस कंसिस्टेंसी का बैटर होना चाहिए यहाँ पर। पानी थोड़ा ही डालना है बेसन को जब भी घोलना है, क्योंकि बेसन में बहुत जल्दी गुठलियाँ पड़ जाती है, इसलिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बनाएंगे। तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डाल लेती हूँ और मिला लेते हैं ऐसे। तो यहाँ पर ये अभी भी मुझे थिक लग रहा है, क्योंकि बेसन का घोल ऐसा होना चाहिए जैसे हम तवे पे डालें तो ये अपने आप पूरे तवे पे फैल जाए। तो इसमें मैं थोड़ा पानी और डाल रही हूँ। तो नमक यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना इसमें ज़रूरत है, पानी जितना डाला है उसके अनुसार यहाँ पर नमक यूज़ करना है, क्योंकि पानी डालते डालते इसमें नमक थोड़ा कम हो जाता है। इसे मैंने मिला लिया। बेसन को मिलाने के बाद 5 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तो ये हमारा जो बैटर बिल्कुल तैयार हो गया, तो देखिए इस तरीके का बैटर होना चाहिए। मैं इसे 5 मिनट के लिए ढक के रख देती हूँ। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं ये टमाटर के स्लाइस, तो इस तरीके का मैंने इसे कट किया है, थोड़ा मोटा ही रखा है इसे मैंने। तो यहाँ पर मैंने ये 7 स्लाइस लिए हैं इस टमाटर के। और अब चलते हैं आगे के प्रोसेस में। और गैस पर मैंने एक पैन रखा है, इसमें डाल लेते हैं तेल। तो यहाँ पर मैंने 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल डाल लिया है और इसे पैन में फैला देंगे। इसके बाद जो यहाँ पर मैंने टमाटर के स्लाइस लिए हैं, इस तरीके से हमें सेट कर देना है पैन में। गैस की फ्लेम को बिल्कुल यहाँ पर लो रखना है, लो फ्लेम पे मैंने ये टमाटर डाल दिए हैं पैन में। तो ये पास पास होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर फैला के नहीं रखना हमें इसे। इसके बाद जो हमने ये पूरा बेसन का बैटर बनाया है, ये हम टमाटर के ऊपर इस तरीके से डाल देंगे। तो पूरा बैटर ही डाल देना है यहाँ पर। और अच्छे से इसे फैला देंगे चारों तरफ, जैसे कि सारे टमाटर हैं वो कवर हो जाएंगे। इसके बाद गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखते हुए इसे कवर करके पकाएंगे, जब तक कि एक साइड से अच्छे से पक नहीं जाता। तो 3 से 4 मिनट में ये अच्छे से पक जाएगा, क्योंकि गैस के फ्लेम को मीडियम टू लो रखा हुआ है। तो इसे अच्छे से पकाना है, क्योंकि जो इसकी लेयर है पूरी मोटी सी हो गई है, टमाटर है, बेसन है, इस वजह से इसे हमें थोड़ा देर तक पकाना है। 3 से 4 मिनट हो गए हैं और यहाँ पर जो ये हमारा नाश्ता है वो अच्छे से सिक गया है, ऊपर से भी ये बिल्कुल भी गीला नहीं रह गया है। तो अब इसे पलट लेते हैं। तो पलटने के लिए हम एक प्लेट ले लेंगे इस तरीके का, और इस तरीके से लगा के ऐसे इसे पलट लेंगे। मैंने इसे इस तरीके से पलट लिया है। और इसके बाद जो हमारा ये पैन है, इसे हम एक बार टिश्यू पेपर से साफ़ कर लेंगे। यहाँ पर पैन को मैंने हल्का सा साफ़ कर लिया है। इसके बाद 1 चम्मच तेल मैं इसमें फिर से डाल रही हूँ, और इसके बाद जो हमने नाश्ता बनाया है ये इसमें डाल देंगे। तो इस तरीके से इसे हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे और दोबारा से कवर करके फिर से 3 से 4 मिनट पका लेंगे। और यहाँ पर जो हमारा नाश्ता है दोनों तरफ से बहुत ही अच्छे से सिक गया है, तो मैं इसे पैन से निकाल लेती हूँ। लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ये बहुत ही मज़ेदार और आसान हेल्दी नाश्ता। मैं इसे कट करके दिखाती हूँ। तो
इस तरीके से आप ये नाश्ता ज़रूर ट्राई करें और अच्छा लगने पर फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इसे आप केचप के साथ, चटनी के साथ, किसी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, तो ज़रूर बनाएं और फैमिली और फ्रेंड्स में भी शेयर करें। कमेंट करके शेयर करें कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।